मैं एक चीज अपनी अपनी बातें व्यक्त करना चाहता हूं। आजकल कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि कुछ गलत लोगों ने एक ट्रेंड बना रखा है कि पेपर रद्द कराया जाए, पेपर रद्द कराया जाए। ये वो लोग कौन है? ये वो बच्चे हैं जो आधे से ज्यादा जो सिर्फ भीड़ के रूप में आ रखे हैं, जिनके एटलीस्ट 50-40 से 50 नंबर भी नहीं है। मैं खुद कुछ नंबरों से रुका हूँ वीडियो के पीडियो के एग्जाम में, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिन बच्चों ने मेहनत करके परीक्षा पास की है, सरकार से निवेदन है कि उनको नौकरी दी जाए। आज अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है, कल के दिन तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। हम तो मेहनत करना ही बंद कर देंगे ऐसे, क्योंकि जिन मेहनती बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है तो कल के दिन हमारे साथ भी तो ऐसे ही होगा। जब उन्होंने खुद इतनी मेहनत से परीक्षा पास करी है तो उनको ज्वाइनिंग बनना तो बनता है। सरकार क्यों इतना डीले कर रही है? मैं सिर्फ इन बच्चों के एक मैसेज देना चाहता हूँ, उन बच्चों को खासकर जो आज सड़कों पे घूम रहे हैं, सड़कों पे नारे लगा रहे हैं कि भैया पेपर रद्द कर जाए, रद्द कर जाए। भैया आज एक पेपर रद्द कर दोगे, दो पेपर कर दोगे, कल के दिन तो जब आज मेरे मेरे खुद 6-7 नंबर कम नंबर हैं, आज अगर इसी में आप उसको रद्द कर दोगे, कल के दिन मेरी भी तो ज्वाइनिंग होगी। कल के दिन आप तो मेरे लिए भी बोलेंगे रद्द करने के लिए, मेरे लिए क्या, तमाम मेरे ऐसे कुछ इतने अभ्यर्थी होंगे उनके लिए भी बोलेंगे आप पेपर रद्द करा जाए। तो ये तरीके का जो माहौल क्रिएट कर रहा है ये बहुत ही गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को इस समय उन रोडों पे कम और कमरे पे अपना ज्यादा पढ़े तो अच्छा रहेगा, उनके लिए भी, उनके माँ बाप के लिए भी और सबके लिए। क्या गलत मैसेज क्रिएट कर रहे हैं ये लोग? हम लोगों ने इतनी मेहनत करके, इतना मेहनत करते हैं, सब करते हैं, 4-4 5-5 साल हम इंतजार करते हैं तब जाके सरकारी पेपर की तैयारी करते हैं। हमारे से कितने तमाम बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे पहाड़ से आ रहे हैं, जिन्होंने रूम ले रखा। मैं ज्यादा दूर किसकी बात नहीं करूंगा, मैं खुद अपने घर की बात करूंगा। मेरी मामी जिनका नाम है मंजू भोज, खुद एक हाउस वाइफ है। 5-6 साल उन्होंने इतना स्ट्रगल करके उन्होंने पेपर निकाला है और महिलाओं में उनकी 47 रैंक है। और दूसरी तरफ मेरे खुद गुरुजी, मेरे टीचर जिनका नाम है हर्ष सिंह बिश, वो चमोली के रहने वाले हैं। चमोली से आके वो यहाँ पे पढ़ाते भी हैं, हमारे गुरुजी मेरे हमें पढ़ाते भी हैं। उन्होंने खुद परीक्षा पास करी है। क्या इन्होंने 15-20 लाख या इन्होंने धांधली करी होगी? ये सरासर गलत है। इतनी मेहनत कर रहे हैं वो, हमें पढ़ाते हैं।